सब लोग एक बार जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए क्या हम सब लोग लाइव हो चुके हैं, जल्दी से बता दो भाई सब लोग। क्या हम सब लोग लाइव हैं? तो आई थिंक हम लोग लाइव हो चुके हैं। हाँ, तो नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार YouTube चैनल रेलवे पाठशाला पे। कैसे भाई सब लोग, एक बार कमेंट करके बताइए आप सब लोग तैयार हो? कॉपी पिन साथ में है ना? और मम्मी पापा को बोल देना एक घंटे तक डिस्टर्ब ना करे, सिर्फ एक घंटे आप मेरे साथ रहिए। और आज का जो सेट है वो सेट नंबर आपका 10वां है। आज मैं आपके साथ सेट नंबर 10वां सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए देखिए, शुरुआत में हमने 8 से शुरुआत की और टोटल 10 सेट। पीडीएफ आपको मिल चुकी होगी, प्रॉपर मैं टेलीग्राम चैनल में भी डाल रहा हूं। मजे की बात मैं बता दूं, जो बच्चे नए हैं, देखो ग्रुप डी में आपको जीटी और साइंस टू मिलाकर, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप डी में जीटी और साइंस टू मिलाकर 20+25 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और यही वो 45 क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो नॉर्मली सब लोग कर देते हैं ना। ये मैं बात जो बोलता हूँ ना डेली, ये नए बच्चों के लिए बोलता हूँ ताकि उनको समझ में आ सके ना। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने इस 45 क्वेश्चन के सेट में, 20 क्वेश्चन जीके, 25 क्वेश्चन साइंस, और साइंस में तीनों वो पोर्शन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और विद न्यूमेरिकल है ना। और जीके में कह सकते हो कि सारा का सारा पोर्शन, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, स्टेटिक जीके हो, स्टेटिक जीके में भी बहुत सारे जो पॉइंट होते हैं उन सबको मिलाकर एक बीच का प्रैक्टिस सेट तैयार करता हूं। पैटर्न बिल्कुल रेलवे जैसा रहता है, जैसे रेलवे पूछता है बीच बीच में साइंस, बीच बीच में जीके, बीच बीच में हिस्ट्री, बीच बीच में पॉलिटी, बीच बीच में न्यूमेरिकल, हर चीज बीच बीच में। तो आप मेरे साथ ये सेट सॉल्व कीजिए और ग्रुप डी से पहले, पेपर से पहले पेपर देने का मजा लीजिए और देखिए कि 45 क्वेश्चन के सेट में आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो। आपके 45 में से 40 आते हैं, 42 आते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, तो सब लोग जल्दी से तैयार हो, मुझे थम्स अप करके बता दीजिए। और जिन्होंने भाई अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, पहले एक बार दबा के पहले शेयर करो, कम से कम 100 के प्लस का आंकड़ा हो ही जाना चाहिए ना, है ना। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए और दबा के एक बार शेयर कर दो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, बहुत ज्यादा देर नहीं करेंगे। ये लीजिए आज का पहला क्वेश्चन। बहुत सारे सवाल मैं आज नए लेके आया हूँ। एक बच्ची टल कह रही थी सर जंजीर वाले सवाल सॉल्व रही है, मैं जंजीर वाले सवाल भी लाया हूँ, यूनिट और मेजरमेंट वाले सवाल भी लाया हूँ। जल्दी से बताइए इस सवाल का कैट उत्तर क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी से पढ़िए। और जिन्होंने भाई अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो फटाफट से, बताइए एक पिकोग्राम में क्या होता है। देखो बहुत सारे नाम आप लोगों को एकदम पता होना चाहिए, आपको एटो पता होना चाहिए एटो क्या होता है, आपको फेमटो पता होना चाहिए क्या होता है, आपको पीटो पता होना चाहिए क्या होता है, पीटो के बाद आपको नैनो पता होना चाहिए क्या होता है, नैनो के बाद आपको माइक्रो पता होना चाहिए क्या होता है। ये सब हमारे प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स, ये सारे नाम याद रखिएगा। तो सर एटो का मतलब होता है 10^-18 लगाना, फेमटो का मतलब होता है 10^-15, पीटो का मतलब होता है 10^-12, ओके, नैनो का मतलब होता है 10^9 और माइक्रो का मतलब होता है 10^-6 लगाना। ये सब नोट डाउन कर लेना टॉपी में। तो सवाल में था पीटोग्राम को ग्राम बनाना है, तो पीटो हटाइए और पीटो को हटाने के लिए 10^-12 लगेगा, पीटो को हटाने के लिए 10^-12 लगेगा, बोलो भाई। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अरे बोलो बच्चा मजा आ रहा है, तो जल्दी से पहले सेशन को 200 के पार पहुंचा दो एक बार शेयर करके। लास्ट में बताइए तीखापन किसकी वजह से होता है, यह बड़ा अच्छा सवाल है, यह बहुत अच्छा सवाल है। कुछ लालपन कुछ तीखापन, जैसे कि टमाटर का जो लाल रंग होता है, ध्यान रखना टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है, ये बात सबको पता होगा, ठीक है। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है, लेकिन इन्होंने पूछा है लहसुन का तीठापन। तो लहसुन पूछा जाए या तुम्हारा प्याज पूछा जाए, इन सब में जो तीठापन होता है वो सल्फर की वजह से होता है, सल्फर मेन एलिमेंट होता है। तो आप ढूंढिए सल्फर कहां है, तो देख लीजिए मिल गया तुम्हें सल्फाइड, मिल गया ना। तो प्याज और लहसुन का जो तीठापन होता है वो एराइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा टैनिन ये भी याद रखा, और मेमोल्टी कोसाइट ये भी बहुत पूछा जाता है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना जो करेला होता है ना करेला, तो करेले का कड़वापन
अगर कोई पूछे करेले का कड़वापन किसकी वजह से आता है, तो कह देना करेले का कड़वापन आता है मेमोल्डी कोसा। बोलो भाई, अब इसके बाद आपको टैनिन भी याद रखना है कि टैनिन क्या होता है। तो याद रखना आंवला, आंवले में होता है कसैलापन, आंवले का कसैलापन, तो आंवले का कसैलापन आता है टैनिन की वजह से। बोलो, दूध की सफेदी, एक टर्म आता है उसका नाम है केसीन। केसीन, दूध में प्रोटीन पाया जाता है और केसीन जो आता है वो दूध की सफेदी लेके आता है। ऐसे ढेर सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या रहता है ये लीजिए। और भाई ये क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि यूरोपी सेंट्रल यूरोपी यूनिवर्सिटी सीईयू इसको बोला जाता है, ये इसने अपने सोसाइटी का सर्वोच्च अवार्ड जो दिया है वो बताइए इनमें से किसको दिया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। सीईयू सेंट्रल यूरोपियन यूनियन की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो भाई ऑस्ट्रिया में है, और ऑस्ट्रिया जो है उसकी राजधानी पड़ती है वीना। तो ऑस्ट्रिया के वीना में है सीईयू का मुख्यालय, सेंट्रल यूरोपियन यूनियन, ओके, यूनिवर्सिटी। और इन्होंने जो अपना सर्वोच्च अवार्ड दिया है अभी हाल में, ये मिला है के सेलजा को। ये के सेलजा पता है कौन है? ये केरल की रहने वाली है और केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी है, केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी है के सेलजा। बोलो बच्चा, क्लियर है ना? तो के सेलजा का तुम्हें नाम याद रखना है। बताइए सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मजा आ रही नहीं आ रही? बताओ इसका आंसर देते दिखाइए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे अभी आगे। आप देखिए, अभी तक हम लोग क्वेश्चन जीटी जीएस के पढ़ रहे थे, अब देखो ना क्वेश्चन हमारा उसका आ गया, बायोलॉजी का आ गया। मानव मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन खाली जगह से संबंधित है, बताओ। अरे फटाफट जल्दी से बताइए, थोड़ा एक बार लाइक वाइक करते रहिए दोस्त, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से पहले एक बार शेयर करो, ताकि 200 का आंकड़ा तो एटलीस्ट क्रॉस हो जाए। फटाफट जल्दी से एक बार शेयर कीजिए। बताइए, बताओ आपको पता है पीनियल ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? पीनियल ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? पीनियल ग्रंथि पाई जाती है तुम्हारे मस्तिष्क में, और पीनियल ग्रंथि दरअसल सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि, और यह निकालती है मेलाटोनिन नाम का हार्मोन। जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो आपके त्वचा का रंग डिसाइड करता है, ठीक है। होता क्या है कि मेलाटोनिन हार्मोन में एक पिगमेंट पाया जाता है और उस पिगमेंट का नाम होता है मेलानिन। मेलानिन, मेलानिन की मात्रा जब भी कभी ज्यादा होगी तो याद रखना आदमी की रंग काला होता है, और यदि मेलानिन की मात्रा अगर कम है आपके शरीर में तो ध्यान रखना आपका शरीर गोरा हो जाता है। बोलो बच्चा, क्लियर है ना? तो मेलानिन ही है जो आपके शरीर का रंग डिसाइड करता है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, इसी को तीसरी आंख भी बोलते हैं। ध्यान रखना ये जो आपका पीनियल ग्रंथि है ना, इसी ग्रंथि को हम लोग तीसरी आंख भी कहते हैं, एकदम सही बता रहे हैं। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पांचवा, ध्यान से पढ़िए। अभी देखो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं थोड़ा अपनी टीम से एक बार बोलूंगा कि कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दे पहले तो, और दूसरी चीज जो है ना थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दीजिए, है ना? ब्राइटनेस हो सकता है मुझे लग रही है ज्यादा है। ओके चलो बताइए। हाँ, चावल के दाने जैसा, एकदम सही बता रहे हैं अनुष्ठा को। इसका आंसर दीजिए, समानता आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी। हमेशा याद रखिएगा, ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा। हाँ, अब ये नहीं पता चला, देखो और लिंक शेयर कर दो इस पे टेलीग्राम की। ओके, लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पर जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बढ़ती है, इस बात को याद रखना। ओके, तो पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पावर हीलियम की होती है, और सबसे कम कोई पूछे सीजीएम की। दो क्वेश्चन और आएंगे कि सबसे ज्यादा आयनीकरण ऊर्जा हीलियम की ज्यादा होती है और सबसे कम सीजीएम की होती है, क्योंकि सीजीएम यहां नीचे आता है ना, है ना? तो इन्होंने क्या बोला था सर? इन्होंने बोला था बाएं से दाएं जाना है। तो बाएं से दाएं जाना है, इसका मतलब आंसर जाएगा बढ़ने के साथ, ऑप्शन नंबर बी। देखो मैं हर क्वेश्चन को कोशिश कर रहा हूं कि आपको सोल्यूशन के साथ एक बढ़िया सी एनालिसिस दे सकूं, है ना, बढ़िया सी बात बता सकूं। तो लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है, भैया इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये भी सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। सत्येंद्र सागर, वेरी गुड। नीतू कुमारी, दीपक कुमार, वेरी गुड, ध्यान से पढ़िए। ओके, हाँ अब सही,
ओके बताइए, थोड़ा उसको लिंक शेयर कर देना टेलीग्राम ठीक है। कमला देवी चट्टोपाध्याय INII पुस्तक पुरस्कार 2021 के विजेता का नाम जल्दी से मुझे बता दीजिए, इनके विजेता का नाम क्या है? अरे तो याद रखना, कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड मिला है दिनयार पटेल जी को। ये जो दिनयार पटेल जी है, इन्होंने अभी एक बायोग्राफी लिखी है और वो बायोग्राफी है दादा भाई नेहरूजी पर। बिल्कुल, दादा भाई नेहरूजी पर बायोग्राफी लिखने वाले दिनयार पटेल जी को ही कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड मिला है, है ना। तो ऑटोबायोग्राफी नहीं मैं बोल रहा, ऑटोबायोग्राफी होता है जो खुद लिखी जाए, ये बायोग्राफी है। बायोग्राफी जो दूसरों पर लिखी जाए सर, उसको बायोग्राफी बोलते हैं। अब ये देखो, देखो रेलवे के पिछले वाले पेपर उठा के देखिए, ग्रुप डी के, उन्होंने कंप्यूटर से सवाल पूछे जैसे लॉजिक गेट वगैरह। अगला सवाल मेरा यही है, बताइए इन्वर्टर किस गेट का उदाहरण होता है? तीन तरह के लॉजिक गेट होते हैं, एक और होता है, और में ध्यान रखना वाई बराबर ए प्लस बी होता है, एक होता एंड, एंड में ध्यान रखना वाई इंटू ए प्लस बी होता है, एक होता नॉट, नॉट में जो है वाई बराबर ए के ऊपर बार होता है। सर बार का मतलब होता है उल्टा, उल्टा मतलब अगर तुमने जीरो इनपुट किया तो आपको वन मिलेगा, वन इनपुट किया तो जीरो मिलेगा, ठीक है। तो इन्वर्टर जो है हमें उल्टा ही काम करते देता है, कैसे मैं आपको बताता हूं। जब लाइट आती है तो इन्वर्टर हमें अपनी सप्लाई नहीं देता, बोलो भाई है ना। तो लाइट आएगी भाई क्यों दे रहा, लाइट आती है तो इन्वर्टर हमें अपनी सप्लाई नहीं देता, लेकिन जैसी लाइट चली जाएगी तो इन्वर्टर हमें अपनी सप्लाई देना शुरू कर देता, उल्टा काम करता है ना। तो इन्वर्टर ध्यान रखना एक नॉट गेट की तरह होता है, इन्वर्टर एक नॉट गेट की तरह होता है। बोलो बच्चा क्लियर है ना? फंस गए यार याले क्वेश्चन में, लोगों के याले आंसर ज्यादा सही नहीं आए। ओके चलिए एक बार थोड़ा सेशन को शेयर भी करते रहो दोस्त, जल्दी से दबा के शेयर करो, पहले जल्दी से 200 का आंकड़ा क्रॉस हो जाए। फटाफट देखिए ये लीजिए, अब याला जो सवाल है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी ज्यादातर लोग अपना लॉजिक लगाकर गलत कर देते हैं। अभी लिंक आने वाली है टेलीग्राम की, आप परेशान मत होइए, बस आने वाली है थोड़ी देर में रुकिए। अब याले क्वेश्चन को पहले समझो, और आज के बाद याला सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई गाड़ी ब्रेक लगाकर कम से कम 2 मीटर की दूरी पर रुकती है। यानी जब गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो ब्रेक लगाने के बाद उसको कम से कम 2 मीटर दूर जाकर रोका जा सकता है। ओके सही है। यदि वही कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने लगे, वही कार कितने से चलने लगे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने लगे, तो बताइए उसे वह न्यूनतम दूरी जिसमें उसे रोका जा सकता है। अरे भैया 40 से 80 हो गया ना, तो इसको भी 2 मीटर तो रोका नहीं जा सकता, 2 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यहां 4 मीटर उत्तर आएगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो भाई साहब, तो आप लोग कर दोगे गलत सवाल को। मुझे पता है ज्यादातर लोगों ने 4 मीटर आंसर दिया, 4 मीटर गलत है। आप सुनिए, दोनों ही कंडीशन में गाड़ी को रोकना है, और रोकने का सीधा सा मतलब होता है अंतिम वेलोसिटी 0। बोलो बच्चा क्लियर है? तो मैं लगा रहा हूं गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, माइनस सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि गाड़ी को रोकना है। तो अंतिम वेलोसिटी सर हो रही 0, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2as इधर आएगा। तो जो भी दूरी होती है वो प्रारंभिक वेलोसिटी का स्क्वायर के समानुपाती है, जो भी दूरी है वो प्रारंभिक वेलोसिटी के स्क्वायर के समानुपाती है। अब सुनो इधर सर, वेलोसिटी 40 से तुमने 80 किया, ओके सर वेलोसिटी तो तुमने किया है 40 से 80, मतलब वेलोसिटी तो तुमने किया है 2 गुना। बोलो बच्चा अगर वेलोसिटी दुगना हुई है, अगर वेलोसिटी दुगना हुई है तो देखो 2 का स्क्वायर, वेलोसिटी दुगना 2 का स्क्वायर, तो दूरी 4 गुना होगी ना, तो दूरी तो बताइए यहां कितने गुना करना पड़ेगा सर, 4 गुना करना पड़ेगा, और 2 मीटर का 4 गुना होता है 8 मीटर, 2 मीटर का 4 गुना होता है 8 मीटर, तो इस सवाल का सही उत्तर 8 मीटर होगा, बताओ। अच्छा पहले ये बताइए, आप सबको तरीका समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप सब लोग जो है हर बढ़ाट में हुलुलुलु में आंसर दीजिए, आपको तरीका समझ में आना चाहिए। ओके अगर सबको तरीका समझ में आया है तो मेरे इस सवाल का सब लोग आंसर देंगे। सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपसे ये बोला कि सेम यही क्वेश्चन है, कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन मैंने आपसे इस बार ये कहा कि इस बार गाड़ी की स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति, और मैंने इस बार कर दिया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो मैं उसे जो है 5 मीटर दूर जाके रोक सकता था,
लेकिन मैंने गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, तो बताइए गाड़ी को मैं कितना दूर जाके रोक सकता हूं। चलो आंसर दो जल्दी से, बताइए। गाड़ी की स्पीड पहले 40 थी, 5 मीटर दूर जाके रोक रहा था, अब 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए कितना दूर जाके रोकूंगा। अगर आंसर है तो जल्दी से मुझे बताइए। हारा ओके, टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं हो रहा, होगा होगा, परेशान मत होइए। देखो 40 से 120 किया तो वेलोसिटी बताइए कितने गुना किया, 3 गुना। मैंने अभी अभी बताया जो चली रही दूरी होती है वो प्रारंभिक वेलोसिटी की स्क्वायर होती है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बात समझे? तो 9 पना 45, यानी गाड़ी को कितना दूर जाते रोका जाएगा सर, 45 मीटर। अब आंसर सही होगा। ज्यादातर लोगों ने इस बार आंसर जो दिया वो मुझे 20 मीटर दिया, 20 मीटर उन्होंने ये दिया, पिछले वाले सवाल में 4 गुना किया था, है 2 टा स्क्वायर किया था, तो इधर भी 4 गुना कर दिया। अरे कैसे आप लगा रहे हो, वेलोसिटी इस बार 3 गुनी हुई है, तो 3 टा स्क्वायर हमारा यहां देखो 45 हो रहा। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना, समझ में आ गया ना? हाँ, लिंक ओपन नहीं हो रही जो टेलीग्राम पे डाली है, एक बार देख लेना ठीक है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और ब्राइटनेस भी बहुत ज्यादा है मुझे ऐसा लग रहा, ठीक है ओके। बताओ केपलर का दूसरा नियम, ये अगला सवाल है, नौवां नंबर। केपलर का दूसरा नियम बोलता है कि सूर्य को पृथ्वी से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, बताओ ये किसके संरक्षण पे काम करता है। तो केपलर का जो दूसरा नियम है वो दारकना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, इस बात को याद रखना। और संवेग संरक्षण का फॉर्मूला होता है MV×R, लेकिन कौन सा संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, दोस्त गलती मत कर देना ठीक है। तो MVR कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर काम करता है, और यही वो बताता है कि V×R का गुणनफल कांस्टेंट होगा, यानी सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा जितना ज्यादा पास होगी, दूरी जितना पास होगी सर, वेलोसिटी उतनी तेज होगी। तो याद रखना इस बात को कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से जितना नजदीक होती है वेलोसिटी उतनी ज्यादा होती है, और जितना दूर होती है वेलोसिटी उतनी कम होती है, इस बात को याद रखना। तो कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत केपलर का दूसरा नियम कहलाता है। केपलर का पहला नियम बताइए क्या बोलते हैं, तो केपलर के पहले नियम को बोला जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, कक्षाओं का नियम बोला जाता है, कक्षाओं का नियम केपलर के पहले नियम को बोलते हैं, क्षेत्रफल का नियम केपलर के दूसरे नियम को, या कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरे नियम को बोला जाता है, केपलर के तीसरे नियम को बोला जाता है आपका कह सकते हो आवर्त काल का नियम, तीसरे नियम को बोला जाता है आवर्त काल का नियम। ये सब बातें याद रखना, केपलर के तीन नियम थे, आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा दोस्त। आगे बढ़ा जाए, अभी देखिए एक्टिव हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, मैं आप लोग पढ़ते रहिए, बीच बीच में मैं उसको बोल देता हूं कि आप उसको एक्टिव कीजिए, है ना ओके। चलो बताइए जरा, थोड़ा एक बार सब लोग सेशन को शेयर भी करते रहो दोस्त, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाक से जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, है ना। आज बहुत कम बच्चे आए, मुझे लगता है आज नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है, एक बार सब लोग सेशन को शेयर कर दो मैक्सिमम लोगों के पास। बताओ डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो याद रखना डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो वाटसन और क्रिक ने दिया था, 1952 में वाटसन और क्रिक ने ही डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। सर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देखो ऐसे दिखाई देता है, ऐसे ये दिखाई देता है ऐसे, है ना। और सुन लीजिए, डीएनए जो होता है वो टू पेंटोज सुगर के नाम से जाना जाता है, टू पेंटोज सुगर, और पेंटोज का मतलब सीधा सीधा होता है पांच कार्बन वाला सुगर, पांच कार्बन वाला सुगर होता है आपका डीएनए, है ना। अच्छा डीएनए का पूरा नाम होता है डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही आंसर जाएगा वाटसन और क्रिक के साथ। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बताओ जियो का फुल फॉर्म का नाम बताइए, जियो का फुल फॉर्म बताइए, जियो की स्थापना बताइए कब हुई थी। भाई साहब सबके मोबाइल में जियो सिम पड़ी होगी मुझे पता है, ओके चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर, सबके मोबाइल में पड़ी नहीं पड़ी जियो सिम बताओ। हरा तो आपको बता दे, जियो की जो स्थापना हुई थी उसकी स्थापना हुई थी 2007 में, स्थापना तो वैसे हुई थी सूरत में, लेकिन अगर कोई पूछे कि जियो का मुख्यालय कहां है तो कह देना मुंबई में, मुंबई में। और जियो का पूरा नाम क्या है, सर जियो का पूरा नाम होता है ज्वाइंट
इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी ऑप्शन नंबर बी। सर आज नोटिफिकेशन नहीं आया था, ओके कोई बात नहीं। देखो भाई नोटिफिकेशन आए या ना आए, आप लोग बस शाम के 7 बजे रेलवे पाठशाला पे आ जाए करो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी मैं शेयर कर दिया करूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के ब्लड में श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको आप WBC बोलते हो, आपको बताना है इनमें से कौन सी WBC की संख्या सबसे अधिक होती है, बताओ, है ना। तो याद रखना WBC के कुछ प्रकार है, 4 ये लिखे हैं, मैं एक और नाम भी लिख देता हूं, 5 प्रकार की WBC होती है, मोनोसाइट, 5 प्रकार की भाई WBC होती है। तो संख्या में पता है सबसे ज्यादा कौन होती है, सर संख्या में सबसे ज्यादा होती है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और संख्या में सबसे कम कौन होती है, बेसोफिल्स, ओके। फिर इसके बाद आता है साइज में सबसे बड़ी कौन होती है, साइज में सबसे बड़ी कौन होती है, तो ध्यान रखना साइज में सबसे बड़ी मोनोसाइट होती है, और साइज में सबसे छोटी कौन होती है, तो साइज में सबसे छोटी होती है तुम्हारी लिम्फोसाइट। ये सब नाम याद रखना, बताओ याद रहेगा। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। देखो ज्यादातर लोग लिम्फोसाइट बता रहे हैं, गलत है, पहले अपने तरीके को सुधार लीजिए, अन्यथा ऐसे गलती करते रहोगे। और सुन लीजिए 2 मिनट, लिम्फोसाइट जो होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ओके, जबकि मोनोसाइट जो है वो घाव भरने में मदद करता है। हाँ तो घाव भरने में कोई पूछे कि कौन सी कोशिका मदद करती है, मोनोसाइट, और लिम्फोसाइट रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। वैसे मैं आपको बता दूं लिम्फोसाइट का जो उत्पादन है वो एक ग्रंथि करती है जिसका नाम है थाइमस। ये जो थाइमस ग्रंथि है ना, ये आपकी छाती में पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि, और यही वो ग्रंथि है जो बुढ़ापे में विलुप्त हो जाती है ना। तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम लिम्फोसाइट का है, उत्पादन कौन करता है, थाइमस ग्रंथि करती है, कहां पर पाई जाती है, छाती में पाई जाती है, और बुढ़ापे में यही ग्रंथि विलुप्त हो जाती है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर होगा। भाई PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ऊपर देखो लिंक दी रही है भाई सबको। अरे अब ये सवाल देखिए, आजकल भाई इस तरह के सवालों का पैटर्न है, एक होता है ना फैशन, जैसे कि कुछ तरह के सवालों का फैशन होता है, तो ध्यान रखना इस तरह के सवालों का बड़ा फैशन है। जब से आईटार ने इस तरह के सवाल देना शुरू कर दिए, तो मोस्टली टीचर इस तरह के सवालों को सॉल्व भी करा रहे हैं, मैं भी सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन तरीका समझिए, हर चीज में घबराइए नहीं, आप भड़बड़ाइए नहीं, ठीक है। देखो अणु सूत्र XY वाला एक यूनिट, ओके, एक्स जो है वो तीसरे आवर्त में है, पहले बात को समझो सर, एक्स जो है तीसरे आवर्त में है, मैंने आपको कई बार बताया है तीसरा आवर्त जो है वो परमाणु संख्या 11 से 18 के बीच होता है, यानी एक्स वो तत्व होगा जिसकी परमाणु संख्या 11 से 18 के बीच है, ये याद कर लो। लेकिन फिर इन्होंने तुरंत ही बोल दिया दूसरा वर्ड। अब 11 से 18 के बीच आता है सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, इसमें से दूसरा वर्ग किसका होगा, तो सर दूसरा वर्ग तो सिर्फ मैग्नीशियम का होगा ना, है पहला वर्ड सोडियम, दूसरा वर्ड मैग्नीशियम, 13वां वर्ड एल्यूमिनियम का हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट 10 का उछाल मारता है। फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि जो वाई वाला तत्व है वो दूसरे आवर्त में है, देख लो सर, दूसरे आवर्त का मतलब होता है कि जिसकी परमाणु संख्या 3 से 10 के बीच हो, यानी वाई वो तत्व होगा जिसकी परमाणु संख्या 3 से 10 के बीच में। लेकिन इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो तुम्हारा 16वां वर्ड, सर 16वें वर्ड में तो आता है ऑक्सीजन, सल्फर, इस तरीके से आता है। कैसे पता चला कि सर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, 2, 6, तो 6, 10 जोड़ दो 16 आ जाए, यानी वाई तुम्हारा कंफर्म ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन इसलिए मैंने बोला क्योंकि दूसरे आवर्त में परमाणु संख्या 3 से 10 बनाना है, तो 3 से 10 में कह सकते हो हमारा 16वें वर्ड में एक ही तत्व आया है जिसका नाम ऑक्सीजन है, 2, 6, ओके। तो बताइए अगर मैं इन दोनों की संयोजकता को आपस में मिलाऊं तो MgO बनेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता भी 2, ऑक्सीजन की भी 2, तो जब 2 और 2 यहां लगाओगे तो वो टट जाएगा, सिर्फ MgO। अब इन्होंने ये बोला है कि जो भी XY बने उसका अणु सूत्र बताओ, तो मैग्नीशियम के लिए हम लोग 12 × 24, क्योंकि 12 Mg 24, ऑक्सीजन का हो जाता है 8O16, ऑक्सीजन का क्या हो जाता है 8O16, तो 24 और 16 जोड़ दीजिए, तो बताइए MgO का अणु भार कितना आ गया, 40 यूनिट आ गया। तो इस सवाल का सही उत्तर 40 यूनिट के साथ होगा। मैं आपसे ईमानदारी के साथ बस एक चीज ये पूछना चाहता हूं कि X को डायरेक्ट मैंने Mg लिखा, Y को डायरेक्ट मैंने O लिखा,
आप ये सब लोग सीख पाए कि नहीं सीख पाए, क्योंकि यही चीज सीखना सबसे बड़ी बात है। अगर ये आप सीख गए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको ग्रुप डी के हर सेट में इस तरह के एक या ना दो सवाल आपको मिलने ही मिलने हैं। जरूरी नहीं कि यही सवाल हो, इसी भी जैसा एक्स वाई मानकर एक या दो सवाल मिलने। तो आप पहले बताओ सीख पाए कि नहीं सीख पाए, एक्स और वाई को डायरेक्ट निकालना सीख पाए कि नहीं सीख पाए। आप जान पाए कि एक्स को मैंने मैग्नीशियम कैसे बोला, और आप ये जान पाए कि हमने y को जो है ऑक्सीजन कैसे बोला। इसका आंसर देते दिखाइए। सर नहीं आया, कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो प्लीज एक बार बताइए, तो मैं कल जो है एक वीडियो बनाकर स्पेशली पहले आपको यही सिखाना बता दूं, क्योंकि ये सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, कोई बात नहीं। अगर ज्यादातर बच्चों ने कहा कि नहीं आया, कोई बात नहीं, हरा, तो मैं क्या करूंगा कि कल 10 मिनट का एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें मैं एक्स और वाई को आपको निकालना ही सिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ निकालना ही सिखाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। अब देखिए ये सवाल जो है चैन वाला सवाल है, थोड़ा समझने का प्रयास करना, बड़ा ही अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े ध्यान से सुनना। बोला जा रहा है 2 मीटर लंबाई की एक चैन है, टेबल पर ऐसे रखी है कि उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर लंबाई टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटक रही है। मतलब चैन कुछ इस तरीके से लटकी हुई है, हरा, लेकिन इसका कुछ भाग जो है टेबल से लटका हुआ है, ये रहा टेबल ऐसे, हरा, तो कितना भाग लटका हुआ है? सर 60 सेंटीमीटर का भाग लटका हुआ है, बोलो। और लंबाई पूरी 2 मीटर है, इसका मतलब लंबाई पूरी है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सवाल क्या है। चैन का कुल द्रव्यमान इन्होंने बोला है 4 किलोग्राम है, चैन का कुल द्रव्यमान यानी 200 सेंटीमीटर का द्रव्यमान है 4 किलोग्राम, यही तो बोलोगे। तो मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे कि 200 सेंटीमीटर का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है भाईचा, तो बताइए 60 सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना होगा? क्या नहीं निकाल पाओगे? बोलो क्या नहीं निकाल पाओगे? तो कहना 60 सेंटीमीटर का जो द्रव्यमान हो जाएगा तुम्हारा, अब देखो कैसे निकलेगा। पहले यहां से ये 0 उड़ा दो, है ना, तो 4 पंचे 20, 5 गुना यहां पर आना चाहिए 20, तो यानी कंफर्म यहां पर 1.2 किलोग्राम होगा, क्योंकि 12 पंचे 60 और 60 नहीं 6, तो 60 सेंटीमीटर का द्रव्यमान मैंने यहां कह दिया कि यहां पर 60 सेंटीमीटर का द्रव्यमान 1.2 kg होगा। ओके, या फिर आप कैलकुलेशन करके निकाल लो, जैसी आपकी इच्छा। फिर बोला जा रहा है टेबल पर पड़ी चैन को खींचने हेतु किया गया टार, मतलब ये जो टेबल पर चैन है ना, इसको खींचने के लिए हमें टार भी तो करना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा टार? तो आप कहोगे कि अगर मैं यहां पर एक लड़का खड़ा कर दूं और उस लड़के से कहूं कि भैया इसको उठा के खींच और मुझे बता टार कितना करना पड़ेगा, तो वो लड़का कहेगा कि शुरुआत में सर मुझे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि पूरा 60 सेंटीमीटर खींचना है, अर्थात पूरा 1.2 किलोग्राम खींचना है। इसका मतलब यह हुआ कि शुरुआत में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और अंत में 0, तो टार बदलना है ना। वैसे टार का जो फॉर्मूला होता है वह यहां लिख देता हूं, टार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणे विस्थापन, ये होता है सर बल। तो शुरुआत में 1.2 kg इतना ज्यादा, लेकिन सर ये द्रव्यमान है, इसमें तुम्हें जी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, और बाद में 0, तो इसका मतलब मुझे औसत बल लेना पड़ेगा, तो 1.2 शुरुआत में, लास्ट में 0 मुझे उठाना पड़ेगा, और दोनों का औसत हो जाएगा 2/2, और इंटू तुम्हें जी भी लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये द्रव्यमान था पहले 1.2 किलोग्राम, और मुझे जी का मल्टीप्लाई यानी 10 का मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे भार बनाना है ना। इंटू विस्थापन, सर विस्थापन तो 60 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर मत रखना बच्चा, 0.6 मीटर कर देना, बस इतने को सॉल्व कर लो। तो 12/2 0.6 गुणे, और 10 का मल्टीप्लाई 0.6 के साथ करेंगे 6 जाएगा, तो 6×6=36, यानी 3.6 जूल इस सवाल का सही उत्तर है, 3.6 जूल इस सवाल का सही उत्तर है। बताओ, पीडीएफ आपको ऊपर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, मैंने लिंक पेस्ट आ दिया है, है ना। बस ये, अच्छा ये सवाल केवल रस्सी वाला ही नहीं, ये कुएं वाला भी आता है। एक कुआं से आदमी खींच रहा है, बताओ उसके द्वारा किया जाए टार, तो कुएं से भी जब पानी खींचते हो ना, तो शुरुआत में ज्यादा खींचना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ड्रम बाल्टी के साथ साथ रस्सी भी खींचना पड़ता है, तो शुरुआत में कितना खींचना पड़ा प्लस लास्ट में कितना खींचना पड़े 2/2, औसत ले लो, इंटू जी कर दिया और इंटू कह सकते वो कर दिया, तो इसका सही आंसर 3.6 है। मैं इस तरह के 2-3 सवाल आपको हर सेट में देना चाहता हूं और दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, अच्छा आप लोगों का 10 मिनट का वीडियो मेरे पर उधार रहा, कमेंट करके मुझे याद दिला देना, मुझे आप लोगों को कल 10 मिनट में यह सिखाना है
कि मैं X और Y के नाम कैसे बताऊं। 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा, 10 क्वेश्चन में आप सीख जाओगे, देख लीजिए ना चाहे। ओके चलो देखो सवाल क्या है। पशुओं से पैर और मुख का रोग। अच्छा, पशुओं के पैरों और मुख में जो रोग होता है, मुंह में और पैरों में जो रोग होता है, वो ज्यादातर रोग तुम्हारा वायरस की वजह से होता है, इस बात को याद रखिएगा। ज्यादातर डिसीज वायरस की वजह से होता है। ओके, तो ध्यान रखना, पशुओं के पैरों और मुख में ज्यादातर रोग वायरस की वजह से होता है। इसका सही आंसर जाएगा वायरस के साथ, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक आवर्तसारणी में, ये देखिए ये सवाल कितना प्यारा है, और आप लोगों को याले सवाल को सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया था, लेकिन मुझे ये देखना है, सबका कमेंट आ रहा है, सर आपकी जितनी अच्छी साइंस कोई नहीं पढ़ा सकता। अरे धन्यवाद अतुल भारत जी, धन्यवाद धन्यवाद। अब ये सवाल देखो क्या है, पहले आंसर दीजिए। 16वां नंबर क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में जिगज़ैग रेखाएं खाली जगह को अलग करती है। पहले आप ये मुझे बताओ जिगज़ैग रेखाएं में है क्या, तो कह देना जिगज़ैग रेखाओं में 7 उपधातुएं हैं, 7 उपधातुएं हैं। बोलो बच्चा क्लियर है ना? और 7 उपधातु मैंने आपको पहले भी बता रखा है। सबसे पहले आता है बोरॉन, बोरॉन के यहां पर आएगा तुम्हारा सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे आएगा जर्मेनियम, जर्मेनियम के बगल में आएगा, सर जर्मेनियम के जो बगल में आएगा वो आएगा सबसे पहले जर्मेनियम के बगल में जो आएगा। अच्छा, जर्मेनियम के बगल की बात हो रही है। ओके, थोड़ा एक बार सब लोग लाइक वाइक करते रहिए भाई, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक भी सेशन को शेयर नहीं किया फटाफट जल्दी से शेयर कर दो है। तो जर्मेनियम के बगल में आ जाएगा आर्सेनिक, उसके नीचे एंटीमनी, एंटीमनी के बगल में आ जाएगा टेलेनियम, और फिर आ जाएगा पोलोनियम। बोलो क्लियर है ना? इस तरह से 7 उपधातु ऐसे विकर्ण में हैं। ओके, फिर मैंने बताया था इसके नीचे, इसके लेफ्ट साइड में धातुएं होती है और इसके राइट साइड में तुम्हारी अधातुएं होती है। तो जिगज़ैग रेखा किसको अलग करती है, यही तो बोला जा रहा है, किसको अलग करती है? तो जिगज़ैग रेखाएं धातु को अधातुओं से अलग करती हैं। जिगज़ैग रेखाएं धातुओं को अधातु से अलग करती हैं। क्यों? क्योंकि बीच में तुम्हारा आ जाता है उपधातु, बीच में क्या आ जाता है? उपधातु। फिर मैंने इन सबके आवर्त और वर्ड भी निकालना सिखाया था। तो सी आंसर इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने बहुत सारे गलत सलत आंसर भी दिए होंगे, मुझे पता है, मैंने कमेंट नहीं देखा, कोई बात नहीं, लेकिन सीखते रहिए भैया, सीखना जरूरी है। सौम्य कुमारी, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं, आप मुझे बताओ तो आप लोग क्या कहना चाहते हो, है ना? ओके, चलिए एक बार लाइक वाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया एक बार दबा के पहले शेयर करो यार, मजा ऐसे नहीं आएगा, एक बार दबा के शेयर कीजिए, पहले 200 का आंकड़ा क्रॉस हो जाए। बताओ इनमें से कौन तुम्हारी आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस पूछिए। तो भैया कीबोर्ड तो इनपुट होता है, गलत करो इसको, है माउस तुम्हारा इनपुट होता है, गलत करो। अच्छा, स्टैनर जो होता है ना, स्टैनर स्टैन करने वाला, ठीक है सर, ये कैसे डिवाइस होता है? सर स्टैनर तो इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, है? तो आंसर जाएगा तुम्हारा प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर के साथ, सर यही तो तुम्हारा आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर डी। कल वाली पीडीएफ आ चुकी है, सर मेरा कमेंट देखो, सबके कमेंट अगर देखेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे दोस्त, है? कल वाली पीडीएफ मैंने डाल दी थी भैया टेलीग्राम चैनल में, जिसको नहीं पता है तो एक दूसरे को शेयर कर दिया करो यार, ज्यादातर लोगों को मैंने बता रखा है, फिर भी नहीं पता चलता तो ऊपर आप मुझे कमेंट कीजिए। ओके चलो बताइए, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए, सारे क्वेश्चन मिट से भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्विट लाइन, क्विट लाइन का मतलब होता है CaO, अगर CaO में पानी मिला देते हो यानी H2O मिला देते हो तो क्या बनेगा? तो क्विट लाइन यानी CaO में अगर H2O मिला दोगे तो बन जाएगा कैल्सियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2. ओके, लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, CaOH का होल ट्वाइज में जब भी तभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हो तो ध्यान रखना कैल्सियम कार्बोनेट भी बन जाता है और H2O बाहर निकल जाता है। लेकिन इन्होंने जो पूछा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पहली वाली रिएक्शन पूछी हुई है, हाँ, तो आंसर जाएगा कैल्सियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर है। क्विट लाइन CaO बोलता है, बिना बुझा हुआ चूल्हा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सी और डी में कंफ्यूज मत हुआ करो दोस्त। इसका आंसर दीजिए, निम्नलिखित में कौन सा सेट उनके धात्विक या बढ़ते हुए धात्विक गुण को बताता है? बताओ, बढ़ता हुआ धात्विक गुण कौन बताता है? ओके भाई, सब लोग एक बार लाइक वाइक करते रहिए, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया दबा के पहले एक बार शेयर करो, ताकि जल्दी से 200 का आंकड़ा क्रॉस हो जाए, फटाफट एक बार शेयर करो। हरिदयाल, दिव्यांशु, वेरी गुड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है 19 का आंसर दीजिए। आपको पता है धात्विक गुण नीचे से आने पर बढ़ता है, नीचे से आने पर बढ़ता है, और लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक गुण घटता है। ओके,
अब इन्होंने पहला आंसर दिया है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। तो बेरिलियम ऊपर होता है, मैग्नीशियम नीचे होता है और कैल्शियम और नीचे होता है। तो ऊपर से नीचे ही तो है ये, इसका मतलब यही आपका कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ क्रम है, धात्विक का बढ़ता हुआ क्रम पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब सही उत्तर तो मेरा ए ही हो गया, ए ही सही है। अच्छा कुछ लोग बी भी कह रहा है, बी वालों की बात भी सुन लेते हैं। सर बी में क्या लिखा हुआ है, सोडियम लिथियम पोटेशियम। तो मेरे भाई लिथियम ऊपर आता है, सोडियम उससे नीचे आता है, पोटेशियम नीचे। तो बी आंसर तब सही होता जब ये ऐसे लिखा होता, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। लेकिन लिखा हुआ है सोडियम लिथियम पोटेशियम, जिसकी वजह से गलत हो गया। ओके ये गलत हो गया। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, सर ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि याद करो मैग्नीशियम, उसके बगल में एल्यूमिनियम, उसके बगल में सिलिकॉन, ये तीनों एक आवर्त में आते हैं और आवर्त में आने पर, आवर्त में आने पर आपका जो धात्विक गुण है वो घटता है। तो ये जो क्रम लिखा हुआ है ये घटता हुआ क्रम लिखा हुआ है, बढ़ता हुआ नहीं, इसलिए ये भी गलत है। समझिए बात को। कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सर कार्बन के बगल में आ जाएगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बगल में ऑक्सीजन, तो ये जो क्रम होगा सर ये घटता हुआ होगा, तो इसका उल्टा बढ़ता हुआ हो जाएगा, उल्टा बढ़ता हुआ हो जाएगा, ये तो कहोगे। तो इसका जो बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन, ऐसा नहीं लिखा, इसका मतलब ये भी गलत है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक डिटेल को लगाने की, है ना। ओके चलो बताइए जल्दी से ये बात, याला क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया। धात्विक गुण याद रखिए, बताओ मुख्यतः रासायनिक खाद में किसका उपयोग करते हो, इसका आंसर दीजिए। मुख्यतः रासायनिक खाद में, सर आज का न्यूमेरिकल फिर से बताइएगा। देखो हर चीज आप लोग कमेंट कर में, जैसे कि आप सब लोग, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं कमेंट नहीं दे पा रहा, कमेंट थोड़ा ऊपर है आ रहा है। आप सब लोग जो भी बात कह रहा, मान लीजिए मैंने नहीं पढ़ा, कमेंट बॉक्स जब खुला करे तो वीडियो खत्म होने वाले जब कमेंट बॉक्स खुला करे उसमें कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। चलिए देखिए रासायनिक खाद, जो रासायनिक खाद होती है ना उसमें वैसे ज्यादातर मात्रा नाइट्रोजन की होनी चाहिए, फास्फोरस की होनी चाहिए, इस बात को याद रखना। अब पोटेशियम नाइट्रेट भी है, सल्फेट तो किसी कीमत में नहीं होता, सोडियम नाइट्रेट भी है, सोडियम भी नहीं होता, जो ज्यादातर मात्रा होती है वो पोटेशियम नाइट्रेट की होती है, KNO3 की होती है। तो रासायनिक खाद में ज्यादातर मात्रा पोटेशियम नाइट्रेट की होती है। ओके ऑप्शन नंबर, अच्छा सोडियम नाइट्रेट भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO3। और पता है इसका एक व्यापारिक नाम है, ट्रेड नेम है, जो बहुत पूछा जाता है, इसी को बोला जाता है चिली साल्ट पीटर। तो कोई पूछे कि चिली साल्ट पीटर बताइए किसको बोला जाता है, तो कह देना ये बोला जाता है सोडियम नाइट्रेट को। ओके चलो, लेकिन आंसर अभी सही है पोटेशियम नाइट्रेट। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। कुछ बैंकों के नाम लिखे हैं, अब ये GTGS का क्वेश्चन आ गया, और बगल में देखिए उनके लिखे हुए है, कह सकते हो हेडक्वार्टर। आपको मुझे बताना है कि कौन से बैंक का कौन सा हेडक्वार्टर है, जल्दी से मुझे फटाफट बताइए, इनमें से किस बैंक का क्या हेडक्वार्टर है, जल्दी बताइए, है ना, बताओ। अब देखो इलाहाबाद, सर इलाहाबाद बैंक तो कोलकाता के साथ जाएगा, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई के साथ जाएगा, जबकि जो हमारा पंजाब नेशनल बैंक है इसका मुख्यालय तो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है पंजाब नेशनल बैंक का, जबकि इंडिया ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। अब मैचिंग करा लेते हैं दो मिनट है, तो ए का हमारा दूसरा हो गया, ए का दूसरा हो गया, फिर उसके बाद बी का तुम्हारा तीसरा हो गया, सी का तुम्हारा चौथा हो गया, और डी का तुम्हारा हो गया पहला। 2 3 4 8 ये सवाल का सही उत्तर है। तो 2 3 4 8 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, देख लो 2 3 4 8, बताइए सबको क्लियर है ना। सेल्फ हेल्प मी पीडीएफ कैसे मिलेगी, अरे दिलीप कुमार आपको सारी पीडीएफ मिलेगी, एक काम करिएगा जिसको किसी भी तरह की कोई समस्या हो वो मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकता है, लेकिन कॉल करने से पहले आप मैसेज कीजिएगा 8545 94 49 47, ठीक है। अब मैं क्लास ले लूं, आप लोग इस पर अपनी सारी समस्याएं मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको रिजोल्व कर दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेलनाकार धातु के पुनर्निर्माण के लिए इसके आयतन में किसी भी तरह का परिवर्तन करते हैं, लंबाई को 30% कम कर दिया जाता है, तो बताओ प्रतिरोध कितना होगा। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से है, सर लंबाई को 30% कम किया और तुमने प्रतिरोध पूछा है, हरा। तो ऐसे सवालों को हम लोग अपने AB फॉर्मूले से लगा लेते हैं, और AB फॉर्मूला क्यों लगाया जाता है, मैंने YouTube पर कई बार इस चीज को बताया है, A+B+AB/100। लेकिन देखो लंबाई को 30% कम किया है ना, धीरज रखिएगा, 30% कम किया, कम करते समय आपको माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करना है, माइनस चिन्ह का।
तो ए टीचर है माइनस तीस, बी टीचर है माइनस तीस, ओके। और जब ए और बी की दोनों टीचर है माइनस तीस रखा जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जिसकी वजह से हो जाएगा प्लस तीस गुणे प्लस तीस बटे सौ, प्लस तीस बटे सौ। तो मेरे भाई दो जीरो कट गया, तो माइनस साठ ये रहा, प्लस नाइन ये रहा। अब आप खुद मुझे बताओ माइनस साठ प्लस नाइन कितना हो जाएगा? सर इसका आंसर जाएगा तुम्हारा 51% के साथ, यानी प्रतिरोध तुम्हारा 51% घट जाएगा, बताइए ठीक है। फाइंड द अटैच्ड फाइल इज स्टैंड, वो अभी टेलीग्राम चैनल नहीं खुला होगा, मैं अभी देखो बता दूंगा, उस पूछकर बता दूंगा कहां पर है टेलीग्राम चैनल, आप परेशान मत होइए, मैं आज ही जो है सब कुछ जोड़ूंगा। इस वीडियो का जो है कमेंट बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप परेशान बिल्कुल मत होइए ना, मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी भी तरह का परेशानी रखे, बस पढ़ाई कीजिए ओके। कौन सा तत्व डी ब्लॉक में आता है? वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं एस ब्लॉक में तत्व की संख्या 13 होती है, पी ब्लॉक में तत्व की संख्या 37 होती है, डी ब्लॉक में 40 होती है और एफ ब्लॉक में तत्व की संख्या 28 होती है। सबको उठा के जोड़ लीजिए 118 आएंगे ना। देखो कैल्शियम जो आता है ये तुम्हारा एस ब्लॉक में आता है, मैग्नीशियम एस ब्लॉक में आता है, सोडियम एस ब्लॉक में आता है, लेकिन ये जो आयरन है ना सर ये डी ब्लॉक में आता है, बीच में आता है ना, डी ब्लॉक में आता है। आयरन तुम्हारा डी ब्लॉक में आता है, तो इसका सही आंसर आपका आयरन के साथ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में बताओ पहली रैंकिंग पे कौन था, ये एनटीपीसी का भी क्वेश्चन था ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई ये जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1965 में हुई थी और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है ठीक है। अच्छा एचडीआई को सबसे पहले जारी किसने किया था? तो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम भी सुन लीजिए कि एचडीआई तो जारी करने वाले पाकिस्तान के अर्थशास्त्री नाम क्या है, महबूब उल हट। तो महबूब उल हट ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने याद रखना सबसे पहले एचडीआई जारी किया था ओके। एचडीआई जो अपना पैमाना देता है वो तीन क्षेत्रों में देता है, तीन, एक तो शिक्षा होनी चाहिए आपके देश में, दूसरा स्वास्थ्य होना चाहिए लोगों का, और तीसरा याद रखना इनकम होनी चाहिए, आय होनी चाहिए। इन तीन पैमानों को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। भारत का जो नंबर रहा है 2021 में वो 142 नंबर रहा है 180 देशों में, तो 180 देशों में ध्यान रखना भारत का 142 नंबर रहा है, लेकिन इन्होंने पहले नंबर पर पूछा था एनटीपीसी में, अभी CVD2 में, तो पहले नंबर पर रहा है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर ए, पहले नंबर पर रहा है नॉर्वे ओके। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर देते थे, 25वां नंबर देखिए, ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी जो है एनटीपीसी में अभी रिसेंटली में आया हुआ सवाल है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लाइक कर दीजिए दोस्त, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया दबा के एक बार शेयर करो ताकि जल्दी से 200 का आंकड़ा क्रॉस हो जाए, 250 का 200 तो हो चुके हैं। बताइए भारतीय निशानेबाज कौन से जिसने दो पैरा ओलंपिक पदक जीते हैं? तो टोक्यो ओलंपिक में मैं आपको बता दूं जो मेडल मिले हैं वो टोटल 19 मेडल मिले हैं, भारत को टोटल 19 मेडल मिले टोक्यो पैरा ओलंपिक में, शायद 5, 8, 6 है, 5, 8, 6 मतलब 5 तुम्हारे गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। भारत टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 मेडल के साथ 24वें नंबर पे है, 19 मेडल के साथ दरअसल कौन से नंबर पे है? सर 24वें नंबर पे। अच्छा और चीज सुनिए, 19 मेडल में से शायद 16 मेडल मेल ने जीते हैं, मेल मतलब पुरुष ने, और सिर्फ 3 मेडल जो है जो जीते हैं वो महिलाओं ने जीते हैं, फीमेल ने जीते हैं, ये भी याद रखना ओके। और सुनिए जो अवनी लेखरा है ये एक निशानेबाज है, इसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने रिकॉर्ड बनाया, इनका पहला मेडल जो था वो गोल्ड था और अगला जो मेडल जीता है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो गोल्ड और ब्रॉन्ज 2 मेडल जीतने वाली, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली खिलाड़ी का नाम है अवनी लेखरा। अब मुझे सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि अवनी लेखरा किस राज्य से बिलोंग करती हैं, बताओ किस राज्य से बिलोंग करती है, ये सब बातें याद रखना, किस राज्य से बिलोंग करती है मुझे अवनी लेखरा के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 जवाब दीजिए फटाफट जल्दी से पढ़िए ओके। मैंने हाँ शूटिंग करती है ये बात भी सही है, लेकिन किस राज्य से बिलोंग करती है, मैंने आपको स्टेट पूछा है, जल्दी से बराबर बताइए ओके। मजा आ रही है, नहीं आ रही है, एक बार थम्सअप करेंगे सब लोग है।
जल्दी से दिल बना के भेजिए, प्यार भेजिए, थम्स अप करके बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है। सर जो सिरका होता है ना, सिरका, इस बात को याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है कि सिरका क्या है, ध्यान रखना सिरका एक मिक्सचर है। सिरका किन चीजों का मिक्सचर है कह देना, सिरका जो है वो एक तो एसिटिक एसिड होना चाहिए उसमें, एसिटिक एसिड, और दूसरा तुम्हारा होना चाहिए वाटर, वाटर। तो सिरके में ध्यान रखना 7% एसिटिक एसिड होता है मेरे दोस्त, तो 7% एसिटिक एसिड का जो मिक्सचर होता है सर वही कहलाता है तुम्हारा विनेगर यानी सिरका। बोलो, और जेलिक एसिड मत बताइएगा, ठीक है? हाँ, राजस्थान, बिल्कुल एकदम सही बता रहे हैं, जो अवनी लेटरा है वो दारकना राजस्थान की रहने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जल्दी से बताएंगे राजस्थान में किस चीज के लिए इनको ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया है, इनको ब्रांड अम्बेसडर भी बनाया गया है, अब बताओ जल्दी से किस चीज के लिए बनाया गया है, इसका आंसर दीजिए। रसायन उद्योग में कौन सा मूल रसायन है, देखो मूल रसायन बोला जाए या फिर तुम्हें बोला जाए किंग ऑफ केमिकल, बताओ किसे बोला जाता है, किंग ऑफ केमिकल किसे बोला जाता है, ठीक है? या फिर इसी तरह एक और नाम भी है, ऑयल ऑफ विट्रोल, ऑयल ऑफ विट्रोल। ओके, तो किंग ऑफ केमिकल, ऑयल ऑफ विट्रोल पूछा जाए, इसी का आंसर है H2SO4। बोलो, H2SO4 का यूज हम लोग बैटरी में करते हैं, जो तुम्हारी लेड एसिड बैटरी होती है ना उसमें H2SO4 होता है। बोलो बच्चा, क्लियर है ना? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा का तात्पर्य पीएच के साथ होने वाली वर्षा है, लेकिन तुम्हें बताना है कि कौन वाला पीएच, बताइए जल्दी से इसका आंसर, कौन वाला पीएच। अरे भाई मजा नहीं आ रहा, एक बार सब लोग मजेदार तरीके से जबरदस्त तरीके से दबा के सेल करो पहले, अब 250 हो गया, 300 भी तो होना चाहिए ना, दबा के एक बार सेल कीजिए पहले 300 प्लस हो जाए। अम्लीय वर्षा, जब भी कभी बात करना एसिड रेन की तो याद रखना एसिड रेन में दो गैसें होती है, NO2 होता है, SO2 होता है, लेकिन जब ये दोनों गैसें हैं, जब ये दोनों गैसें पानी के साथ रिएक्शन करती है ना, पहली वर्षा हो रही है। हाँ, अब पहली वर्षा भी देखो होने वाली होगी, हैं? आप लोग नहाने जरूर जाना बेटा, नहाने जाओगे ना तो अम्ल से जल जाओगे, नहाने भी ना जाना दो कैसे, तो दो अम्ल होते हैं HNO3 H2SO4। अब अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा ना, तो 7 से कम हमारा, देखो 7 के बराबर नहीं हो सकता, 7 से अधिक नहीं हो सकता, 6 से अधिक भी नहीं होता, क्योंकि इतने खतरनाक अम्ल है ना जिनकी पीएच वैल्यू बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा, 6 से अधिक नहीं, लेस देन 1, ऑप्शन नंबर ए। बोलो बच्चा क्लियर है ना? हाँ, क्योंकि अम्ल ये बहुत ज्यादा खतरनाक अम्ल होते हैं। ये लीजिए मट्ठी के गुणसूत्र का नाम बताइए, जल्दी से बताइए मट्ठी के गुणसूत्र कितने होते हैं, फटाफट जल्दी बताइए। 7 से कम है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसको आप 5 से भी कम बोलिए, 5 से कम पता क्यों बोलना है, क्योंकि बहुत खतरनाक अम्ल है यार वो, हैं? चलो बताइए। ओके, एग्जैक्टली 5.5 नहीं होता यार, कैसी बात कर रहे हो, है? मट्ठी में गुणसूत्र बताइए। अच्छा, गुणसूत्र की बात हो रही है, जब भी तभी बात गुणसूत्र की करना, तो आदमी में तो गुणसूत्र में बहुत रटे हुए 46, लेकिन जब भी तभी मट्ठी में गुणसूत्र की बात की जाएगी तो मट्ठी में गुणसूत्र होते हैं 12। मैं कुछ गुणसूत्र आपको याद करा दूं, कुछ गुणसूत्र आपको याद करा दूं, चलो सामने देखिए, सामने देखिए कुछ गुणसूत्र याद कराते हैं, ये इंपॉर्टेंट वाले गुणसूत्र पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना। पहला गुणसूत्र मच्छर, अरे बोलो मच्छर, 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 6 निकला कि नहीं निकला, 6, मट्ठी में 12 कर देना डबल। उसके बाद गेहूं का गुणसूत्र होता है 42, गेहूं का 42। घोड़ा, सर घोड़ा दौड़े थे 64 युद्ध में घोड़ा दौड़े थे, 64 है। कबूतर, कबूतर जो है शांति, शांति का प्रतीक है, लेकिन इसका जो गुणसूत्र होते हैं वो 80 हो जाएगा, कबूतर का 80 गुणसूत्र होता है। प्याज, बाजार में 16 रुपए किलो प्याज चल रही है, 16। आम, तुम मार्केट से लाए 40 रुपए किलो के आम, और उस आम को खा गए चूहे, तो आम और चूहे दोनों को मिला के 40। बकरी और गाय दोनों का 60 होता है, अच्छा बड़ा दूध महंगा हो गया, 60 रुपए लीटर हो गया बकरी और गाय का दूध। बिल्ली से टाइगर, इन तीनों का याद रखना 38 होता है, इन तीनों का याद रखिएगा 38 होता है, ये सारे के सारे याद कर लेना। ओके, देखो भाई जितनी भी तुम लोगों की ख्वाहिशें हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, पीरियड टेबल हो रहा है, जैसी भी कोई भी दिक्कत है ये लीजिए, ये वो सवाल है जो रेलवे हर बार पूछता है और हर बार आपका गलत होता है, सही बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि पूछे जाने का तरीका बदल देता है, सुनिए बड़े ध्यान से। एक ट्रक और कार समान वेट से जाते, तीन तरह से सवाल आएगा, समान वेट लिखा होगा, या तो लिखा होगा समान संवेग लिखा होगा, और या फिर लिखा होगा समान गतिज ऊर्जा, या फिर समान ऊर्जा लिखा होगा। ओके,
तीन तरह से यह सवाल पूछा जाता है और तीनों तरह में आंसर अलग अलग दोस्त मेरे। तो सवाल यह है कि एक ट्रक तथा कार समान वेग से या फिर समान गति ऊर्जा से या फिर समान संवेग से चल रहे हैं। तीन सवाल बन जाए, समान ब्रेक लगाते हैं और दोनों कुछ दूर जाके रुकते हैं, तो बताइए कौन पहले रुकेगा। ये तीन तरह के सवाल बनते हैं। ओके, अब मैं आपको इसका फंडा बताता हूं। होता क्या है कि जब आप लोग ब्रेक लगाते हो ना, तो ब्रेक लगाने के बाद आपकी जो गति ऊर्जा है ना, वो घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। अब देखो, इन्होंने समान वेग बोला तो मुझे गति ऊर्जा का फॉर्मूला वेग वाला खोलना पड़ेगा। तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वेग वाला, वेलोसिटी वाला होता है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर होता है। फिर घर्षण बल द्वारा किया गया कार, तो घर्षण बल हो गया एफ एस, और कार का मतलब होता है चली गई दूरी, बल गुणे विस्थापन। कार का मतलब क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ओके, लेकिन इन्होंने एक और लाइन बोली है, समान ब्रेक बल बोला है ना, यानी जो घर्षण बल होगा, ब्रेक बल जो होगा सर, वो मेरा कॉन्स्टेंट होगा, घर्षण बल मेरा कॉन्स्टेंट होगा। ओके बच्चा, मैंने वेलोसिटी वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूं समान वेग वाला। ओके, तो सर एक बात बताइए, ये द्रव्यमान कहां पहुंच जाएगा? नीचे पहुंच जाएगा। तो मैं कह सकता हूं वेलोसिटी का जो स्क्वायर, अच्छा इन्होंने बोला है, सॉरी मुझे इन्होंने बोला था समान वेग, तो समान वेग की वजह से वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट हो गया। ठीक, समान ब्रेक बल, उसकी वजह से एफ एस कांस्टेंट हो गया एफ एस। तो दूरी एस देखो किसके समानुपाती आ रही? द्रव्यमान के। सर दूरी एस द्रव्यमान के समानुपाती है, यह ले सवाल। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसी के द्वारा चली रही दूरी ज्यादा, तो द्रव्यमान ज्यादा चली रही दूरी ज्यादा, तो बताओ किसका द्रव्यमान ज्यादा? हरा, तो ट्रक और कार में से ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा, तो ट्रक ज्यादा दूरी तय करेगा, कार कम दूरी तय करेगा, है ना। तो ट्रक विराम में आने से पूर्व कम दूरी तय करेगा, गलत हो गया। कार विराम में आने से पूर्व कम दूरी तय करेगा, यस ये सही है, कार कम दूरी तय करेगा। क्यों? क्योंकि कार का द्रव्यमान सर कम है, कार का द्रव्यमान कम है। और सर नंबर बी सवाल बताओ, समझे नहीं समझे वाला सवाल, जल्दी से बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब देखो सवाल अगर समान संवेग का लिखा होता तो सवाल का आंसर क्या होता, यह भी मुद्दे की बात है कि समान संवेग लिखा होता तो तुम्हें पता है संवेग वाला गति ऊर्जा का संवेग के पदों में फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बटे टू एम और बराबर घर्षण बल द्वारा किया गया कार इंटू विस्थापन एस। देख लो, तो समान संवेग, संवेग तुम्हारा कॉन्स्टेंट, घर्षण बल तुम्हारा कॉन्स्टेंट। देख लो इस बार जो दूरी एस आता वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता, यानी दूरी ज्यादा या द्रव्यमान ज्यादा तो चली रही दूरी कम, तो उल्टा हो जाएगा इस बार। ओके, तो ये तीन तरह से सवाल लगाए जाते हैं इस तरह के, ध्यान रखना, और तीनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बताइए इनमें से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, बताओ जल्दी से फटाफट बताइए। हाँ, इसका उल्टा हो जाता फिर, लेकिन अगर गति ऊर्जा वाला ऑप्शन होता ना कि समान गति ऊर्जा है, तो चाहे कार हो या ट्रक हो समान दूरी बाद रुकेंगे, तब सही आंसर होता समान दूरी बाद रुकेंगे। ओके चलो आगे बताइए। ओके, थोड़ा एक बार सब लोग सेशन को शेयर कर दो दोस्त, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया दबा दे एक बार लाइक कर दो। है देखो, पिच ब्लेंड जो होता है ये यूरेनियम का खनिज होता है, मोनाजाइट, सर मोनाजाइट जो होता है वो थोरियम का खनिज होता है, जबकि इन्होंने लोहा का पूछा था, सर लोहे का खनिज होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, ये सब हमारे लोहे के अयस्क होते हैं, आयरन के अयस्क होते हैं। ठीक है, अब दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, पूछा जाएगा कि बताइए लोहा सबसे ज्यादा पाया किसमें जाता है, तो लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है मैग्नेटाइट में। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा लोहे का उत्पादन किससे किया जाता है, तो लोहे का उत्पादन किया जाता है हेमेटाइट से। तो कहो सर ये तो बड़ी बेतुवेद वाली बात हो रही, सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट में, तो उत्पादन क्यों नहीं करते मैग्नेटाइट से? कह देना इसका उत्पादन करना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, ज्यादा शुद्ध करना पड़ जाता है, तो मैक्सिमम मात्रा के लिए मैग्नेटाइट आंसर बताना है, उत्पादन किससे किया जाता है आंसर हेमेटाइट बताना है, याद रखिए इन दोनों क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, घाव भरने का अध्ययन, बताइए क्या कहलाता है, जल्दी बताइए घाव भरने का अध्ययन क्या कहलाता है, फटाफट बताइए। ओके फटाफट बताइए, थोड़ा एक बार सब लोग सेशन को दबा के शेयर करो, एक साथ शेयर करो, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, ऐसे दोस्त देखो मजा नहीं आएगा, है ना। सब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जल्दी से आप 300 आंकड़ा क्रॉस हो जाए, एक बार दबा के शेयर कीजिए। कॉलोलॉजी जो है वो ब्यूटी का अध्ययन कहलाता है, बिल्कुल, तो महिलाओं की ब्यूटी का अध्ययन कॉलोलॉजी। सर ऑन्कोलॉजी जो होता है वो कैंसर का अध्ययन कहलाता है, कैंसर का, जबकि ट्रोमेटोलॉजी, ये जो ट्रोमेटोलॉजी है यही सर घाव का अध्ययन कहलाता है,
डर्मेटोलॉजी जो है सर वो स्किन का अध्ययन कहलाता है, आपकी त्वचा का। याद करो डर्मेटोलॉजी से मिलता जुलता एक पाउडर आता था, है बहुत पहले पाउडर आता था जिसका नाम है डर्मीटूल, याद है नहीं याद है? अब नहीं आता, इसको खरीद लिया उसने, नवरत्न कंपनी वालों ने इसको खरीद लिया डर्मीटूल को, है। तो आंसर जो है इसका किसके साथ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ट्रोमेटोलॉजी के साथ। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33वां, पेशावर कांड। अभी जीटीजीएस का क्वेश्चन देख लो आप लोग, सेट को लगाने के बाद समझ ही नहीं पाओगे कि कब जीटीजीएस का क्वेश्चन आ रहा है और कब साइंस का। अब देखो पिछला वाला क्वेश्चन बायोलॉजी का था नहीं ना था, ये वाला क्वेश्चन देखो जीटीजीएस का। पेशावर कांड, पेशावर जो कांड है वो 1930 में हुआ है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद हो भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 से मना रहा है, और 1930 में हम लोगों ने क्या किया था, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था, और उसी समय कह सकते हो आजादी की लड़ाई अपने चरम पोजीशन पे थी। तो पेशावर कांड 1930 में हुआ था जिसमें कई सारे दंगे भी हुए थे। इनके जो नेता थे उनका नाम था वीर चंद्र सिंह जो है वो पेशावर कांड के अग्रिम नेता हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर है। 1930 में पेशावर कांड हुआ था। बताओ गाय का वैज्ञानिक नाम जल्दी से मुझे बताइए, कुछ साइंटिफिक नेम भी याद कर लो, हैं? अगर आ जाए तो भूले भटके लगा देना, आंसर दोस्त गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में, समझ लेना। ओके चलिए भाई साहब 276 हो गया, अगर तुम लोगों की दुआ रहेगी एक बार जवाब शेयर कर दो पहले 300 प्लस पहुंच जाए। बताओ कैप्टा हिटमस सर ये तो तुम्हारा बटड़ी होता है, कैनिस फैमिलियर्स सर, कैनिस फैमिलियर्स, फैमिलियर्स आ गया कुत्ता हो जाएगा, बॉस इंडिका सर यही तुम्हारी गाय है। बोलो बुबालिन बुबालिस, देखो बुबालिन जो बुबालिस होता है सर ये होता है तुम्हारे भैंस का, बुबालिन बुबालिस किसका होता है, भैंस का। बोलो बच्चा क्लियर है ना? तो बुबालिन बुबालिस का नाम याद रखना सर, ये तुम्हारा भैंस का है। और बैल का कोई पूछे, बैल का कोई पूछे तो जैसे गाय में लगा है बॉस तो बैल में भी लगा होता है बॉस, लेकिन आगे लगा होता है प्रीमी जीनियस। तो बैल का कोई वैज्ञानिक नाम पूछे तो आपको बताना है बॉस प्रीमी जीनियस। ओके उसके बाद मस्टा डोमिस्टा ये पूछा जाता है मक्खी का, ठीक है। उसके बाद फेलिस डोमिस्टा बिल्ली का, ऐसे नाम राना ट्रिग्रीना मेढक का, पावोटस्टेटस मोर का, ये सब नाम याद रखना, इक्वस घोड़े का। तो इन्होंने गाय का पूछा था तो आंसर जाएगा बॉस इंडिका के साथ, इंडिकस के साथ, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35वां देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। आधुनिक आवर्त सारणी में बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में बताइए किस अवधि में चार तत्व होते हैं, या कौन सी अवधि चार में है, इनमें से कौन चार अवधि में, ये सब निष्क्रिय गैस हैं। आपको पता है जो इनर्ट गैसें होती हैं वो सर 18वें ग्रुप या फिर आप इसको शून्य समूह भी कहते हो। अरे निष्क्रिय गैसें होती है सर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, उसके बाद जीनॉन और फिर रेडॉन। सबकी परमाणु संख्या याद करने का तरीका सुन लीजिए, हीलियम की 2 में 8 जोड़ दो 10, आर्गन में 8 जोड़ दो 10 में 8 जोड़ दो 18, फिर 18 जोड़ दो 36, फिर 18 जोड़ दो 54, फिर 32 जोड़ दो 86, सबकी परमाणु संख्या लिख दी। ओके सर इन्होंने आवर्त 2 बोला है, आवर्त 4 बोला है। तो भाई साहब मैंने आपको कई बार बताया है कि आवर्त जब 1 लिखा हो तो परमाणु संख्या 1 से 2, आवर्त यदि लिखा हो 2 तो याद रखना आवर्त 2 में जो तत्व आते हैं परमाणु संख्या 3 से 10 वाले आते हैं। अगर आवर्त 4 लिखा हो तो याद रखना आवर्त 3 लिखा हो तो 3 में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले आते हैं, और अगर आवर्त 4 लिखा हो तो आवर्त 4 में परमाणु संख्या 19 से लेके 36 वाले आते हैं। तो मुझे आवर्त 4 ही तो ढूंढना है, तो आवर्त 4 में तुम्हारा आ जाएगा ट्रिप्टॉन, आवर्त 4 में आ जाएगा ट्रिप्टॉन। तो आंसर तुम्हारा 36 के साथ जाएगा, ट्रिप्टॉन के साथ जाएगा। कल को हो सकता है सवाल पूछ ले 5 आवर्त वाला, बताइए तो 5वें आवर्त में पता है कहां से कहां तक आते हैं, आवर्त 5 में सर, आवर्त 5 में आते हैं आवर्त परमाणु संख्या 37 से लेकर कितना हो जाएगा 54 तक। तो आवर्त 5 में 54 हो जाएगा। ऐसे कोई भी नाम पूछा जाए आपको बस तरीका पता होना चाहिए दोस्त, तरीका पता होना चाहिए। आरबीसीटी संख्या बताइए किससे याद करते हो, जल्दी बताइए आरबीसीटी, फटाफट जल्दी से बताइए सर, पूरे यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीख लो ब्रो।
ओके भूरे से, अच्छा भूरे से कह रहा है, मुझे लगा पूरे लिखा हुआ है, भूरे लिखा हुआ था। ओके एवं दवा रिजल्ट करो 360 ला। इससे तो स्ट्रोक सर, इससे जो है हार्ट बीट सुनी जाती है, डॉक्टर लोग लिए रहते आला बोलते। हीमोसाइटोमीटर यही वो डिवाइस है जो आरबीसी की संख्या बताती है, जबकि स्फिग्मोमैनोमीटर आपका ब्लड प्रेशर बताता है, है? और ब्लड प्रेशर जो नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है, याद रखिएगा। ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक और नीचे वाला होता है डायस्टोलिक। ओके जबकि ईसीजी जो है ये हृदय की, हार्ट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोलते हैं। लेकिन आरबीसी का मेजरमेंट करता है कौन? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर वह डिवाइस होती है जो आरबीसी का मेजरमेंट करती है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बताओ अब जल्दी से मुझे थोड़ा कमेंट करके बताओ ना, हीमोसाइटोमीटर आरबीसी बताती है, आरबीसी की संख्या बता दो मुझे कितनी होती है मानव शरीर में। भारतीय सेना किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए फ्री कोचिंग खोल रही है? भारतीय सेना के बारे में दो बातें याद रखो, एक तो अभी इनके अध्यक्ष का नाम याद रखिए, प्रेसिडेंट का नाम याद रखिए, प्रेसिडेंट, और अभी इनके हाल में ही वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट भारतीय थल सेना के। तो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट जो बने हैं उनका नाम है मनोज पांडे, सिर्फ मनोज पांडे, मनोज मुकुंद नरवाने नहीं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो अभी हाल में बने हैं उनका नाम है बी एस राजू। ओके भारतीय थल सेना ने मणिपुर राज्य में फ्री कोचिंग सेंटर खोल दिया, मतलब भारतीय थल सेना के जितने नौजवान है ना वो कोचिंग देना शुरू कर दिया मणिपुर में, वो भी फ्री कोचिंग, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। बताओ नैंड गेट किन दो गेटों से मिलके बनते हैं, जल्दी बताइए। अरे बच्चा मजा आ रही हो तो इस बार 350 नहीं हो रहा क्या है? आज 350 नहीं हो रहा था, दबा एक बार सेल करो। देखो दो तरह के गेट याद रखिए, एक नैंड गेट होता है बच्चा मेरे, एक होता है नॉर गेट। अरे देखो नैंड गेट बनता है, नैंड में एक एंड आ जाएगा, एक एंड आ जाएगा, दूसरा नॉट आ जाएगा, जबकि नॉर में एक और आ जाएगा, दूसरा तुम्हारा नॉट आ जाएगा, शुरुआत में एंड लगा था ना। और यही वो दोनों डेट होते हैं जिनको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, यूनिवर्सल डेट। कोई पूछे यूनिवर्सल डेट कौन कौन से होते हैं, कहना नैंड और नॉर होते हैं। ओके अब इन्होंने बोला है नैंड गेट बताइए क्या होता है, तो नैंड गेट होता है एंड गेट प्लस नॉट गेट, एंड गेट प्लस नॉट गेट। बुलियन बीजगणित व्यंजक भी सुनिए, नैंड गेट का हो जाएगा तुम्हारा, एंड गेट का होता है ए इंटू बी, लेकिन नॉट लगने की वजह से बार लगाना पड़ेगा। ओके फिर उसके बाद नॉर गेट का हो जाएगा ए प्लस बी, लेकिन नॉट लगने की वजह से बार लगाना पड़ेगा। ये सिर्फ बुलियन व्यंजक कहलाते हैं, समझिए फॉर्मूले कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 39वां नंबर, गेहूं का बताइए वनस्पतिक नाम क्या है, यह बड़ा अच्छा सवाल है, फटाफट पढ़िए। ओके एक बार सब लोग लाइक वाइक कर दीजिए भाई, जल्दी से पढ़िए और बताइए इसमें टैक्ट उत्तर क्या होना चाहिए, दबा एक बार शेयर कर दो पहले फटाक से, ताकि जल्दी से 300 का आंकड़ा क्रॉस हो, 350 का, अरे 350 पहुंच रही है क्या, अरे अभी नहीं पहुंचा, 350 पहुंचा यार, गेहूं से रही है। जिया मेज, सर जिया मेज तो मट्टा, तो मट्टा का वैज्ञानिक नाम जिया मेज है, जबकि ओरिजा, अरे और रईजा सर, ये रईजा, रईजा राइस चावल धान। ओके उसके बाद देखिए ट्रिटिकम, सर यही तो है गेहूं, ट्रिटिकम गेहूं, बोलो बच्चा क्लियर है ना। अच्छा एक दो नाम और भी लिखे, जैसे लिखा हुआ है हॉल्डियम वाल्डियर, तो जो हॉल्डियम वाल्डियर होता है सर वो होता है जौ, जौ हॉल्डियम वाल्डियर जौ, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक नाम और होता है सॉर्गम वाल्डियर। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताइए सॉर्गम वाल्डियर किसका होता है, तो सॉर्गम वाल्डियर होता है ज्वार का, तो जौ का अलग है ज्वार का अलग है। ओके तो आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, गेहूं का याद करना बहुत बार आ चुका है, ट्रिटिकम। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 40वां नंबर, भारी जल के बता रहे बारे बताइए, भारी जल का इन्होंने बोला है कि बताइए किस पर जमता है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जा रहा है भैया भारी जल का, पहले भारी जल को बताइए किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कह देना D2O या 1H2 जिसको आप ड्यूटेरियम भी कहते हो। सर भारी जल की खोज 1932 में दारकना यूरे नाम के साइंटिस्ट ने की थी, यूरे। ओके भारी जल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि भारी जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सर फ्रीजिंग पॉइंट है जिस पर जमता है, ये बॉइलिंग पॉइंट है जिस पर उबलता है। सर भारी जल को हम लोग न्यूट्रॉनों की गति को रोकने के लिए, मंद करने के लिए लगाते हैं, इसलिए भारी जल का नाम मंदक भी है। ठीक है तो आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा 3.82।
बताओ, क्लियर हो रही बात? अरे वाह, मजा आ गया भाई, 325 हो चुका है। तुम लोग रोटी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा सेशन को शेयर करना, और मेरी कह सकते हो एक बार जोश के साथ सारी की सारी चीजें 350 पहुंचा देगी। दबा के एक बार शेयर करो और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। राष्ट्रपति को उसके कार्य की शपथ कौन दिलाता है? सर, राष्ट्रपति को शपथ दिलाना है तो राष्ट्रपति को शपथ तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, हाँ, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी। त्याग पत्र देते उपराष्ट्रपति को। बोलो बच्चा, क्लियर है ना? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। गलती मत कर देना इस तरह के सवालों में। मैं एक बार इन सबको याद करा दूंगा आपको 10 मिनट के वीडियो में। बताओ, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है, बड़ी अच्छी बात बोलिए, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है, ऋण लेती है तो लेने वाली कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। और भारत में जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% है। भारत में जो रिवर्स रेपो रेट है वो है 3.35, लेती है। लेकिन जब ये ऋण देती है दूसरे बैंकों को, उसको बोला जाता है रेपो रेट। और भारत में रेपो रेट अभी तक तो 4% थी, लेकिन आरबीआई ने अभी अभी इसको बढ़ाकर 4.40% कर दी है। बोलो, तो इसका आंसर जाएगा रिवर्स रेपो रेट के साथ ब्याज पर लेती है, ऑप्शन नंबर डी। मान भी याद रखिएगा दोस्त, ओके। देखो, एक लोट 43 क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, गजब का आंसर दिया है। लेकिन भाई साहब, किसने दिया मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन किसी ने अभी 43 का आंसर दिया था, अचानक से वो ऊपर हो गया। ओके, पर ही जरा इसका आंसर फटाफट जल्दी बताइए। अरे दोस्त, एक बार दबा के शेयर करो, पहले जल्दी से 300 का आंकड़ा क्रॉस हो जाए, फटाफट जल्दी से एक बार शेयर कीजिए। ओके, बताइए टॉर क्या होता है? अरे वन टॉर भैया मेरे, वन टॉर का मतलब होता है 133.33 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और दोस्त मेरे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या है? कह देना दाब है, प्रेशर है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर हो रहा। बोलो, मजा आया। वन टॉर की एक और वैल्यू भी होती है, इसको भी याद रखना। सर, वन टॉर का मतलब होता है 1 mmHg। 1 mmHg जितना प्रेशर डालते हैं सर, उसी को वन टॉर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का। वाह भाई वाह यार, बहुत अच्छा है। मुझे तो लग रहा था सब लोग लुढ़क जाएंगे याले क्वेश्चन में, याले क्वेश्चन में धुआं उड़ा दिया तुमने यार। सबका सही आंसर है, जबरदस्त दोस्त। ये लीजिए कुछ आपके सामने जो है बढ़िया सी प्रॉब्लम, जल्दी से इन 4-5 साइंस के क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। लेविन सेल की खोज किसने की? कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? एसलीन गैस का उत्पादन कैसे होता है? निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां पर होती है? तो बात आइए, सबसे पहले लिविंग सेल की खोज है, रॉबर्ट हुक ना कह देना, बहुत मार खाओगे। हाँ, लिविंग सेल की खोज की थी लुवेन हॉट ने। लुवेन हॉट ने लिविंग सेल की खोज की थी सन 1674 में, रॉबर्ट हुक ना कह देना। कोणीय संवेग का मात्रक होता है जूल सेकेंड, और जूल सेकेंड ही प्लांक्स कांस्टेंट का मात्रक भी होता है भैया, प्लांक्स कांस्टेंट। ओके, एसिटिलीन गैस बनाई जाती है कैल्शियम कार्बाइड से। जब कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया हम लोग पानी के साथ कराते हैं तो बन जाता है C2H2 यानी एसिटिलीन गैस, और बदले में निकल आता है CaO यानी चूना। तो एसिटिलीन गैस को हम लोग कैल्शियम कार्बाइड से बनाते हैं। निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया ये होती है तुम्हारी फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन जो ट्यूब होती है ना दोस्त, फेलोपियन जो ट्यूब होती है ना मेरे भाई, इसी का और नाम भी है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे माइंड में सही आ रहा है, इसी को बोला जाता है ओवम डक्ट। निषेचन की क्रिया होती है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। भैया एक ही तरह का प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, एक तो छोटा बनाएगा, दूसरा उत्तप बनाता है जिसकी वजह से आभासी हो जाता है, और दोस्त मेरे ये सीधा भी बना, सॉरी हाँ सीधा बनाता है। तो छोटा, आभासी और सीधा, ये प्रतिबिंब हमारा उत्तल दर्पण बनाता है। बोलो बच्चा, क्लियर है? सब लोग क्लियर है, जल्दी से मुझे बताइए, मजा आया नहीं आया है? क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और जल्दी से इस तरह के सवाल हो रहा। देखो, आपने देखा नहीं, पूरे सवाल में मैं पूरे 45 क्वेश्चन के सेट में हर तरह के प्रश्न लाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये कथन और निष्कर्ष वाला सवाल भी आ गया। कथन बोला जा रहा है कि हम सर्दियों में सफेद कपड़े पहनते, सर्दियों में सफेद, ये कौन सी बेटूफी वाली बात है भैया? सर्दी में तो हम कौन से पहनते? काले, ताकि ऊष्मा का अवशोषण करे, हमें गर्मी लगे सर्दी में भी, सर्दी में भी गर्मी का एहसास। अमूल अंडरवियर आती थी पहले, है सुना होगा, अंडरगारमेंट्स। बताओ, तो ये गलत है सर।
सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ये बात तो इन्होंने सही बोली कि सफेद कपड़े ऊष्मा के परावर्तक होते हैं, परावर्तित कर देते हैं, ये सही है। हरा ले पहली वाली बात गलत है, तो ए गलत है, आर सही है, है ना। तो ए गलत आर सही, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर होगा दोस्त, ए गलत आर सही। बोलो बच्चा क्लियर है ना। हाँ रॉन्ग की बस आप स्पेलिंग सही कर लीजिए बच्चा, डब्ल्यू आर ओ एन जी होती है कि नहीं। चलो देखो इनमें से कौन सा तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर दीजिए। इनमें से किसे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी कहते हैं। देखो एक घंटे से ऊपर हो जाती है क्लास, मैं कोशिश करूंगा कल से ना हो, लेकिन क्या करूं यार, अंदर से मन नहीं मानता, मुझे लगता है यार ये भी बता दूं, यार ये भी बता दूं, कहीं ये ना आ जाए लव यार मैं ये भी बता दूं। कल से कोशिश करूंगा, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखूंगा। इथाइलिन सर डार्कना इसकी खोज बर्ग ने की थी, किसने की थी, बर्ग ने। अब जिब्रेलिन हार्मोन की खोज सुनिए, इसकी खोज की थी कुरोसावा, कुरोसावा ने की थी। और जिन हार्मोन की खोज की थी चार्ल्स डार्विन ने, हाँ। और एब्सिसिक एसिड की खोज की थी एडी कोट ने। ये जो तनाव हार्मोन है ना, ये बोला जाता है एब्सिसिक एसिड को। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, जो बढ़ने वाले पौधे होते हैं उसकी लंबाई तो बढ़ाता ही नहीं है, जिसकी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं तनाव हार्मोन। ध्यान रखना, तो प्लांट में तनाव हार्मोन होते हैं, प्लांट में टोटल सात हार्मोन होते हैं, सात में से पांच हार्मोन बोलते हैं प्राइमरी हार्मोन, प्राइमरी हार्मोन। और प्राइमरी हार्मोन पता है कौन कौन से होते हैं, चार तो यही है, और एक हार्मोन इनमें से छूटा हुआ है, इथाइलिन और जिब्रेलिन और जिन एब्सिसिक एसिड, कौन सा छूटा हुआ है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हार्मोन छूटा हुआ है। ओके तो पांच हार्मोन तो यही होते हैं, और सात में से दो हमारे होते हैं सेकेंडरी हार्मोन, और सेकेंडरी हार्मोन पता है कौन कौन से होते हैं, एक होता है फ्लोरोजिन्स और दूसरे होता है ट्रिकैमो, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, ट्राउमेटो, ट्राउमेटो जो होता है ये घाव भरने में मदद करता है, और फ्लोरोजिन्स जो होता है वो फूलों को खिलाने में मदद करता है। ठीक है चलिए बताइए, मजा आया कि नहीं आया, सब लोगों को आनंद आया कि नहीं आया। ओके अच्छा मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, अभी कहीं कोई जाएगा नहीं, कल की क्या स्पेशल क्लास है, कल मैं दो क्लासे स्पेशल लेके आने वाला हूं, आ जाओ। अभी मैं देखिए आपको बता दूं, अभी रात में भी एक स्पेशल क्लास है और कल की भी दो स्पेशल क्लास है, अनाउंसमेंट सुन लीजिए फिर आप लोग जाइए। और उससे पहले मैं आकाश को बोलूंगा, आकाश एक काम करो, रात में जो 9 बजे जीटी जीएसटी क्लास चलती है ना, उसकी लिंक आपको इसी में मिल जाएगी, है ना, तो इसमें जल्दी से लिंक डाल दो आकाश, ताकि सारे बच्चे आ जाए। दो अनाउंसमेंट है सुन लीजिए, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, अरे बस एक मिनट रुक जाइए। हाँ फ्लोरोजिन से जो है वो फूल को खिलाता है, अरे तो इसमें लिंक को डाल दो आकाश, ताकि जो है ज्यादातर बच्चे आ जाए। ओके दोनों लेके आओ ना, एक ये ले रहा हूं, हाँ एक और ले रहा हूं, अच्छा चलो ठीक है ये ले रहा हूं। ठीक है सुनो, ग्रुप डी की तैयारी या रेलवे की किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी के लिए बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बात सबको पता है ना। तो मैं कल शाम सात बजे आपको पूरी बोन्स की थ्योरी पढ़ाने वाला हूं, हाँ चाहे जितना टाइम लगे पूरी बोन्स की थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, और बोन्स के टॉप 50 क्वेश्चन भी हम लोग कल शाम के 7 बजे सॉल्व करेंगे। ओके एक तो ये अनाउंसमेंट है, हरा अगला लगा दो, ये नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि कल रात 9 बजे आपको मैं टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं जीटीजीएस में, चर्चित महिलाएं, नई नियुक्तियां और महत्वपूर्ण दिवस के। तो ये दो क्लासे हैं, इन दो क्लासों को कल जरूर ज्वाइन कीजिए, अभी रात में 9 बजे जीटी जीएसटी क्लास चलने वाली, उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिए, बड़ा मजा आता है। और इसी तरह से आइए, हमारा टारगेट अब 500 प्लस है। ओके चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी समस्या हो कमेंट में बताइए, हर एक समस्या का समाधान होगा। ठीक है चलिए धन्यवाद।